सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखिए नॉनस्टॉप न्यूज में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद शुरू हो गया है। अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति तारिक मंसूर को चिट्ठी लिखकर जिन्ना की तस्वीर पर आपत्ति जताई है। विश्वविद्यालय छात्र संघ के हॉल में जिन्ना की तस्वीर पिछले कई दशकों से लगी हुई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि उसका जिन्ना की तस्वीर से कोई लेना देना नहीं है। 1938 में वो यहाँ आए थे तो उनको यहाँ यूनियन ने अपनी सदस्यता दी थी। विश्वविद्यालय छात्र संघ ने जिन्ना की तस्वीर लगी होने को सही बताया है। उनका फोटो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। जिन्ना की तस्वीर पर विवाद के बाद यूपी की योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है। मौर्य ने जिन्ना को महापुरुष करार दिया। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का योगदान देश में था, ये मानना चाहिए। कर्नाटक में प्रचार अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया पर निशाना साधा। कर्नाटक के चामराजनगर में पीएम ने राहुल की चुनौती के जवाब में चैलेंज देते हुए कहा कि वो बिना कागज देखे 15 मिनट तक लगातार बोल कर दिखाएं। आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें 15 मिनट तक बोलने दिया जाए तो पीएम संसद में खड़े नहीं हो पाएंगे। उडुपी में अपनी दूसरी रैली के दौरान पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य में हत्या की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने पीयूष गोयल पर 48 करोड़ रुपए के फ्लैशनेट स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीयूष गोयल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने फ्लैशनेट इन्फो सॉल्यूशन के शेयर पीरामल ग्रुप को फेस वैल्यू से 1000 गुना ज्यादा कीमत पर बेचे, और वो भी तब जब वो ऊर्जा राज्य मंत्री थे। राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वो राहुल की तरह नामदार नहीं कामदार है। वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर है और इसलिए वो कंसल्टेंसी देने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक 28 से 30 अप्रैल के बीच ये बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई। भारत की तरफ से पूर्व राजनयिक विवेक काटजू और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत इस बातचीत में शामिल थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश सचिव इनामुल हक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पूर्व गवर्नर इशरत हुसैन मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच भारत और पाकिस्तान के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बात पर सहमति बनी कि बातचीत के जरिए ही विवादित मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। भारत का ये कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद ही भारत बातचीत पर कोई फैसला लेगा। पाकिस्तान में नई सरकार का रुख आतंक को लेकर क्या रहता है, इसी पर द्विपक्षीय वार्ता और रिश्ते निर्भर करेंगे। पाकिस्तान में जुलाई के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले एक हफ्ते से कोई बदलाव नहीं आया है। तेल कंपनियों ने 24 अप्रैल के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $2 प्रति बैरल बढ़ चुकी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ है। इस वजह से भी कच्चे तेल का आयात महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल का दाम स्थिर है। पिछले साल जून में तेल कंपनियों ने रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव का फैसला लिया था। अगर तेल कंपनियां रोजाना दाम में बदलाव के फैसले पर कायम रहती तो पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दाम में 50 से 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई होती। कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव की वजह से तेल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन तेल कंपनियों ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने डीजल को महंगा करने का विरोध किया है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि डीजल की कुल खपत का सिर्फ 13% प्राइवेट गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, बाकी डीजल खेती और व्यवसायिक गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर डीजल की कीमत बढ़ाई जाती है तो इससे देश में महंगाई बढ़ेगी और इसका खेती और ट्रांसपोर्ट पर गलत असर पड़ेगा। दरअसल वायु प्रदूषण फैला रही डीजल गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या डीजल का दाम बढ़ाना सही होगा, लेकिन केंद्र ने आज साफ कर दिया कि वो दाम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। वैसे भी पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले 4 साल में अभी सबसे ज्यादा है। देश में हवाई यात्रा के दौरान जल्द ही यात्री अपने मोबाइल फोन पर बात कर सकेंगे, साथ ही वो इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। दूरसंचार आयोग ने इस बारे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले 3 से 4 महीनों में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी अलाउड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर बोथ डेटा एंड वॉइस इन द इंडियन एयर स्पेस फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट्स। विदेश की कई एयरलाइंस पहले से हवाई यात्रियों को फ्लाइट के दौरान वाईफाई की सुविधा दे रही हैं, लेकिन भारतीय हवाई सीमा में आते ही उन्हें वाईफाई की सुविधा बंद करनी पड़ती है। कभी कभी पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है अगर फ्लाइट का डिले हो जाए, तो ये इसके लिए अच्छा मतलब वो है स्टेप है। मुझे तो लगता है कि अच्छा स्टेप है, लोगों को अपने घर वालों से बात करनी है तो इन दैट वे मतलब वो लोग कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। दिल्ली के गाजीपुर से नाबालिग लड़की को अगवा करके गाजियाबाद के मदरसे में रेप का मुख्य आरोपी नाबालिग नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी की उम्र से जुड़े दस्तावेज और बोन टेस्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस ने मांग की है कि उस पर बालिग की तरह केस चले। बोन टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की उम्र 20 से 21 साल के बीच है। इस बीच 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों के हाई कोर्ट 3 जजों की सदस्यता वाली कमेटी बनाए। ये कमेटी पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मुकदमों की निगरानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी राज्यों के DGP स्पेशल टास्क फोर्स बनाए ताकि जांच सही तरीके से हो सके। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार से इस्तीफा देने वाले BJP नेता एकनाथ खड़से को बड़ी राहत मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जमीन घोटाले के मामले में खड़से को क्लीन चिट दे दी है। ACB के मुताबिक खड़से पर मंत्री के पद के दुरुपयोग का आरोप साबित नहीं हो पाया है। ACB ने ये भी कहा कि सरकार को नुकसान का आरोप भी साबित नहीं हो पाया। इस मामले में आखिरी फैसला कोर्ट लेगा, लेकिन ACB की रिपोर्ट में उनका केस मजबूत होगा। 40 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी आक्षेप मेरे ऊपर नहीं आया। सभी ने इंक्वायरी करने के बाद आज आया सामने कि कोई भी आरोप में कुछ भी तथ्य नहीं है। खड़से को पिछले साल जून में जमीन घोटाले के आरोपों के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ट्रेन यात्रा के दौरान छुट्टे की किल्लत से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। खाने पीने के सामान की ज्यादा कीमत लेने की शिकायतों के बाद रेलवे डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका अपनाने की तैयारी कर रहा है। यानी आप यात्रा के दौरान चाय कॉफी या खाने के सामान का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर पाएंगे। इसके लिए रेलवे पहले चरण में लंबी दूरी की 25 ट्रेनों में POS मशीनें लगा रहा है। अभी ट्रेन में चाय या खाने का ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायतें आती रहती हैं। जो खुले का जो चक्कर होता है, आपको 5 रुपया कम है, 5 रुपया ज्यादा है, टिप्स डिमांड किया जा रहा है, टिप्स देना है नहीं देना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें वही चार्ज हो रहा है, वही पैसा कट रहा है जो प्री फिक्स्ड है, जो प्री डिसाइडेड सॉफ्टवेयर के बेसिस पे है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि प्रतिभा गांव या शहर की मोहताज नहीं होती। मुंबई में न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में शामिल अक्षय कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। अक्षय कुमार ने कहा कि हम सभी की जड़ें गांव से जुड़ी हैं और हम सभी को गांव के काम आना चाहिए। बताना चाहते हैं लोगों को कि जीनियसेस जो होते हैं वो सिर्फ शहरों में नहीं होते, वो गांव खेड़े में भी होते हैं, रूरल एरियाज में भी होते हैं। अक्षय कुमार ने ये भी कहा कि जीनियस लोग गांव से भी आते हैं। जो शहर जो है वो है 30% और 70% रूरल एरियाज है। 30% के हिसाब से भी हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है। अब आप सोच लीजिए कि वो 70% को हम बिजनेस करा दें तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सो दैट इज द थिंकिंग टूवर्ड्स इट।